नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है। एक बार फिर से हम बिहार के कैबिनेट विस्तार पर चर्चा करने जा रहे हैं। जब हम मंत्रियों की लिस्ट देखते हैं तो ये पाते हैं कि जेडीयू का स्ट्रक्चर वही है लगभग, बस विजय कुमार चौधरी की जिम्मेदारियों में थोड़ा बदलाव कर दिया गया, क्योंकि जैसा कि आपने पहले भी बताया कि शायद आरजेडी से कोई वित्त विभाग संभालने को अभी फिलहाल तैयार नहीं था, इसलिए उनके जिम्मे वो जिम्मेदारी चली गई। लेकिन बात अगर युवा मंत्रियों की जाए, जयंत राज की जाए, तो जयंत राज का कद बहुत छोटा नहीं कर दिया गया। आप सीधा कह सकते हैं कि कहाँ ग्रामीण कार्य विभाग और कहाँ अभी लघु जल संसाधन विभाग, विभाग के नाम के आगे भी लघु, बौने नहीं हो गए जयंत राज। ऐसा है गरिमा जी, जी जयंत राज के पास पहले विभाग था ग्रामीण कार्य, जी तो गांव में जो काम होता है ना उसमें गड्ढा खोदने का भी काम होता है। अच्छा। ठीक है ना, लेकिन गड्ढा इतना ही खोदिए जिसमें आप खुद न गिरिए, तो ये तो खुद गिर गए। देखिए ये लंबे थे 2020 से 22 तक और आज बौने हो गए। क्यों हो गए समझिए इस बात को, जयंत राज हैं कौन इस बात को भी समझिए। जयंत राज हैं कुशवाहा। जयंत राज की पहचान उनके पिताजी के कारण, जयंत राज के पिताजी जनार्दन मांझी बड़े नेता थे, मांझी थे लेकिन थे कुशवाहा। देखिए 2020 में ये पहली बार विधायक बने और जब एनडीए की सरकार बन रही थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे थे, आपको मालूम है कि नीतीश कुमार के लिए लव कुश समीकरण कितना महत्वपूर्ण होता है, तो कुशवाहा विधायक दिख नहीं रहे थे, तो जयंत राज पर नजरें गई नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने भरोसा किया जी। अब यह लगा कि कुशवाहा समाज की बात है तो उन्हें विभाग भी दे दिया ग्रामीण का। क्या विभाग है क्या नहीं है, सब कुछ है, काम भी है, माल भी है, जाल भी है, सब कुछ है, कहीं कोई परेशानी नहीं था और जयंत राज सुख सुविधा भी ठीके से भोग रहे थे, तो एकदम चकाचक था, समझे ना। और इतना कुछ होता है ना कि पूछिए मत, कई तरीके की चर्चाएं भी होती थी तो नीतीश कुमार चुप हो जाते थे, समझा देते थे बच्चे की तरह। लेकिन देखिए जब बिहार में सरकार बदलने लगी, आरसीपी सिंह का खेला शुरू हुआ, तो कई तरीके की चर्चाओं ने जन्म लेना शुरू किया। जयंत राज, शीला मंडल को तो माफी मिल गई जी, उन्हें फिर से परिवहन ही मिल गया, ठीक है। नहीं थी लोगों को, हाँ पहले तो उम्मीद थी कि ड्रॉप कर दिए जाएंगे जी, दोनों जी। लेकिन दोनों को बहाल रखा गया तो शीला मंडल फिर से गाड़ी हाँकेंगी, ठीक है ना। आप समझ ही सकते हैं पूरे बिहार का एमबीआई उनके जिम्मे होता है, डीटीओ उनके जिम्मे होता है, तो जयंत राज ने अंतिम में क्या खेला कर दिया, जहाँ फंस गए वो। तो आरसीपी सिंह के कारण तो चर्चा थी, उन्हें लगा कि भाई जेडीयू में कितने कुशवाहा एमएलए हैं और यदि हम नाराज हो गए तो नीतीश कुमार परेशान हो जाएंगे। अच्छा। देखिए नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को लाया जेडीयू में, आरएलएसपी का विलय कराया, बहुत लोग छाती पीट रहे थे जिसमें सबसे बड़े तो आरसीपी सिंह थे। हाँ अब देखिए जब बिहार में एनडीए की सरकार खत्म होने के बाद महागठबंधन की सरकार बन रही थी तो यह तय माना जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, तो उपेंद्र कुशवाहा को जिम्मेवारी न मिले इसके लिए खेला किया जाने लगा जी। 12 अगस्त 2022 की शाम से रात के 11 बजे तक मौर्य होटल में बैठक हुई। अच्छा। जिसमें जयंत राज और कुशवाहा जाति के तीनों सांसद और प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के उमेश सिंह कुशवाहा भी पहुंच गए। और वहां क्या सब हुआ, हुआ ये कि नीतीश कुमार को कुशवाहा जाति से जिसे मंत्री बनाना है बना दीजिए, जयंत राज को नहीं बनाना है न बनाइए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को मत बनाइए। अच्छा। ठीक है, और इस बात की सूचना नीतीश कुमार को दी जाए, आप भी इतने दिनों से पत्रकारिता कर रही हैं और नीतीश कुमार के तेवर को समझती हैं कि ऐसी बातें और ऐसी शर्तें नीतीश कुमार मंजूर नहीं करते हैं, और वह भी तब जब अपनी ही पार्टी के भीतर से कोई ऐसी आवाज उठाए। लेकिन कभी कभी आदमी को परिस्थितियों का दास हो जाना पड़ता है, तो नीतीश कुमार ने भी पता करने की कोशिश की कि इस बैठक का आयोजन मौर्य होटल में किसने किया था। उपेंद्र कुशवाहा तो रह गए, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मैंने पहले ही मना कर दिया था, लेकिन खेला ये एक ऐसा खेला हुआ जिसने नीतीश कुमार को भी जगाया
और ललन सिंह तो जानते हैं होम्योपैथी इलाज के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल। तो सब लोग जागृत हो गए, उमेश सिंह कुशवाहा ने क्या किया पता नहीं, ठीक है, तो जगाया। तो अब लोग कहने के लिए कह रहे हैं, जब स्पष्टीकरण पूछा जाने लगा जी। तो कुछ लोग कह रहे हैं जयंत राज ने कॉफी पीने को बुलाया था, अच्छा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उमेश सिंह कुशवाहा ने बुलाया था। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा तो नहीं बने, जो हालात और परिस्थितियां, जयंत राज फिर से बन गए, क्योंकि अभी संदेशा दूसरा जाता, नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में जिनको मंत्री बनाए थे जेडीयू के कोटे से, उनमें से किसी को हटाना नहीं चाहते थे, इसलिए जयंत राज को मंत्री फिर से बना दिए, चलिए मंत्री बन गए। लेकिन हुआ क्या, मिल गया झुनझुन्ना, ग्राम लंबा से बौना हो गया था, ठिकना नहीं देखते हैं, हम लोग भी बौने ही हैं, समझे ना, ठीक है ना, तो हो गए एकदम बिल्कुल छोटे से, इतना बड़ा विभाग कहाँ ग्रामीण कार्य, राजा होता है राजा, महाराजा भी बन जाता है जब आता है ना महीना जी। तो महाराजा भी बन जाता है, अब कहाँ आ गए लघु जल संसाधन में, लघु जल संसाधन जानते हैं ना कहाँ था, ये था संतोष सुमन के पास, उनके पास दो गो विभाग था जी, जीतनराम मांझी के बेटे के पास, जब 2020 में सरकार बनी थी, तो इस बार नीतीश कुमार ने एक विभाग उनसे वापस ले लिया कि आप एक ही विभाग के मंत्री रहिए संतोष सुमन से, वे केवल अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के रह गए। तो जयंत राज अब हो गए लघु जल संसाधन, अब सड़क उड़क गाँव नहीं देखेंगे, अब थोड़ा थोड़ा जहाँ इधर उधर कुछ कुछ इंजीनियर लोग होता है, समझे ना, तो खेला तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसा है कि गड्ढा दूसरे के लिए ऐसा मत खोदिए कि आप उसमें खुद गिर जाइए। तो जयंत राज तो गिर गए हैं, और आगे क्या क्या होता है, क्योंकि नीतीश कुमार की निगाहें, और इसके बाद यह भी समझिए, जब सेनापति ललन सिंह जैसा हो, जो होम्योपैथी डॉक्टर के रूप में ही अब तक जाने जाते थे, अब तो डायरेक्ट सर्जरी कर रहे हैं, देख ही रहे हैं, और जब आरसीपी सिंह की सर्जरी हो सकती है, और नीतीश कुमार खुलकर बयान दिया तो, हाँ, और नीतीश कुमार भूलते नहीं है इन बातों का, ध्यान रखिएगा, तो इसलिए जयंत राज का तो काम तमाम हो गया, प्रमोशन से डिमोशन हो गया। तो बिल्कुल जयंत राज का जो ऑपरेशन किया गया है, आप कह सकते हैं प्रमोशन से डिमोशन, कद घटा देना, लंबे से सीधा बौना कर देना, वही वाला हाल हो गया है। पहले उनके पास ग्रामीण कार्य विभाग था, जैसा कि आपने जाना कि वो कितना बड़ा विभाग था, कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, अब उन्हें बिल्कुल एक छोटा सा विभाग लघु जल संसाधन देखिएगा ना, कि वहाँ अब ऐसा डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी तैनात हो जाएगा ना जी, कि वो और भी कड़ाई हो जाएगी, कि मंत्री जी को कितना सुनने वाला मिलेगा। नीतीश कुमार इलाज करना जानते हैं, कि यदि मंत्री इधर उधर बहक रहे हैं तो वहाँ ऐसा सचिव बैठा दो, प्रधान सचिव बैठा दो, कि हो जाएगा काम। मतलब मौर्य होटल की कॉफी बहुत महंगी पड़ गई, बहुत महंगी पड़ गई, कॉफी नहीं और बहुत कुछ हुआ था, तो बिल्कुल रात में डिनर भी चला था बढ़िया। चलिए, तो वो जो बैठक है, वो कॉफ़ी, वो डिनर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा जयंत राज को, इतना कि बड़े से सीधा छोटे विभाग में आ गए, एकदम डिमोशन ही हो गया है उनका। देखना होगा कि और नई सरकार के आने के बाद कैबिनेट का तो अब विस्तार भी हो गया है, क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में, कितने बदलाव होते हैं और क्या अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। लाइव सीरीज़ के साथ आप बने रहें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेंगे, वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।